और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम उस खबर से जो शायद आपके जहन से अभी तक उतरा भी नहीं होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस सीता हत्याकांड की, उस विभत्स घटना की जिसका आरोपी पकड़ा गया है। 6 दिन पूर्व पिछली 13 मई को मनिहारी के दिलारपुर में हुए सीता हत्याकांड को लेकर मनिहारी पुलिस को आज पहली सफलता हाथ लगी। 6 दिनों के जद्दोजहद के बाद आखिरकार मनिहारी पुलिस ने इस हत्याकांड के एकमात्र आरोपी 21 वर्षीय पीकू बैठा को गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि 13 मई की सुबह दिलारपुर की रहने वाली 10 वर्षीय नाबालिग लड़की सीता के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी गई थी। हालांकि सीता पिछले 12 मई से ही लापता थी, लेकिन उसका शव 13 मई की सुबह एक मक्के के खेत में पड़ा मिला था। मनिहारी पुलिस के ASP विशाल शर्मा ने एक विशेष टीम का गठन कर 24 घंटे के अंदर ही अपराधियों को पकड़ने की बात कही थी, लेकिन लगातार मेहनत के बावजूद पुलिस 24 घंटे के अंदर तो अपराधी के गिरेबान तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन 6ठे दिन आखिरकार मनिहारी पुलिस ने इस हत्या एवं बलात्कार के एकमात्र आरोपी पीकू बैठा को धर दबोचा। गिरफ्तार आरोपी ने अपने जुर्म को स्वीकार करते हुए पुलिस को बताया कि 12 मई के दिन जब वह 11 बजे मक्के के खेत में शौच के लिए गया तो उसने सामने से इस 10 वर्षीय बच्ची सीता को आती देखा। बस उसके बाद उसके अंदर का राक्षस जाग उठा, उसने सीता को पीछे से दबोचा और उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की। जब बच्ची चिल्लाने लगी तो उसने गमछा उसके गले में लपेटकर उसकी हत्या कर दी। अब ऐसा कभी नहीं होगा सर, जिंदगी में अपना नहीं सोचा सर, पहले सर पता सर, उसके बाद नहीं हो पाया सर, बड़ा हो गया सर, गला दबा दिया सर। तो कैसे मारा उसने? गमछे से। ASP विशाल शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि उक्त अपराधी पहले भी कई तरह के असामाजिक कार्यों में संलिप्त रहा है। ये जो 12 तारीख को घटना हुई थी, इसमें अज्ञात के विरुद्ध यह कांड दर्ज किया गया था और मनिहारी पुलिस ने इसको एक चैलेंज की तरह लिया। इसमें एक विशेष टीम का गठन किया गया था जिसको कल जाके सफलता मिली है और इसमें पुकी और पुकवा पिताजी का नाम के सुरेंद्र बैठा की गिरफ्तारी हुई है, जिसने अपने अपराध के संबंध में विस्तृत रूप से पुलिस को जानकारी दी है और ठोस साक्ष्य भी मिले हैं कि इसी के द्वारा घटना को कारित किया गया है। घटना वाले दिन ये पास के खेत में ही लेटरिंग करने और घास काटने गया था। वहाँ से बच्ची को अकेले आते देख इसने बच्ची को पीछे से पकड़ के दुष्कर्म करने का प्रयास किया। दुष्कर्म करने के उपरांत जब इसको लगा कि बच्ची, क्योंकि गांव की ही थी और ये भी उसी गांव का है, इसको लगा कि बच्ची इसको पहचान लेगी, तो उसने गमछा से उसका गला दबा के बच्ची की हत्या कर दी।